know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops. हेलो, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाते हैं गुलाब जामुन या रसगुल्ले, जो भी कह लो। और ये हम नानी नवासे सब मिलके बनाते हैं और बहुत ज़्यादा से बन रहे हैं, बहुत अच्छे खस्ता हाल से बन रहे हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये मैंने एक तसला ले लिया है और इसमें ये ले लिया है पैकेट रसगुल्लों का। ये बहुत अच्छा पैकेट है और इसको ज़रूर मार्केट में मिलता है, ये मार्केट से ही मंगाया है। और आप देखिए इसमें क्या क्या मिलता है, इसी से रसगुल्ले बनते हैं। ये खोया है आधा किलो घर का बनाया हुआ, और इसको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं शामिल करके, और फिर ये बनेंगे गुल्ले गोल गोल बहुत अच्छे वाले। और ये देखिए मिल गए। अब देखो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दूध पड़ेगा, थोड़ा कर रहा है, थोड़ा ये डो बना हुआ है इसका, इससे थोड़ा सा दूध मिला के और बनाएंगे बच्चे। ये बनने लगे अब हमारे काली जामुन या रसगुल्ले, जो भी कह लो। छोटे छोटे गुल्ले बना लिए हैं बच्चों ने, और इसको फिर लंबे लंबे वाले ही बनाएंगे। और ये छोटे छोटे ऐसे तोड़ के और फिर इसको गोल गोल करेंगे। गोल गोल करने लगे बच्चे, ज़रा सी देर में बन जाते हैं, बहुत ईजी है और बहुत अच्छे हैं। इसमें हमने पैन रख लिया है, इसमें हम डालते हैं एक डिब्बा चीनी बना लेते हैं। ये एक प्याला चीनी डालिए, एक प्याला पानी डाला है। अब थोड़ा पानी और पड़ना है इसमें, डेढ़ प्याला ये चीनी डाल के, चीनी में डाल के इसमें 5 इलायची डाली है सफ़ेद, और इसमें केसर डाला है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको केसर भी कहते हैं और इसको ज़ाफ़रान भी कहते हैं। और ये कलर देखो कितना प्यारा हुआ है, इसमें मिक्स कर लिया है, कलर भी इसका पीला पीला हो गया। अब इधर रख लिया हमने एक पैन, इसमें डालते हैं हम रिफाइंड, ये रिफाइंड में ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये सब रसगुल्ले बन चुके हैं और अब लंबे वाले रह गए हैं, इन्हें फ्राई करते हैं। ये तेल हमारा हो गया है, इस्टेज पे फ्राई करते हैं। ये हम एक एक करके डालते रहेंगे आराम आराम से। और ये हो गए बहुत अच्छे सुरख, एकदम खस्ता हो गए, बहुत ही अच्छे कुरकुरे दिख रहे हैं। और हम इसमें बेक तसले में निकाल लेते हैं थाली में, और ऐसी होले होले करके सब डालते हैं, और तलने के बाद निकाल लेंगे। और इधर हमारी चाशनी भी हो चुकी होगी। अब ये लंबे वाले रह गए, इन्हें भी निकाल लेते हैं। और सब होगा ज़रा सी देर में, ये भी हो चुके। अब इधर हमने ले, अब ये हमारे रसगुल्ले हो गए सारे तैयार। और अब हमें अब चलते हैं चाशनी की तरफ। और चाशनी के लिए हमने एक ले लिया पैन, और उसमें हम लौटेंगे फ्राई पैन में से जिसमें हमने बनाया था उसमें से। अब उसमें निकालेंगे, ये लंबे वाले हो गए, ये चाशनी है हमारी। अब इसको हम दूसरे बर्तन में सर्व करेंगे, और अब इसी में रसगुल्ले जो है ज़्यादा वैसी नहीं बनेगी चिपचिपी, थोड़ा हल्का सा चिपचिपापन हो और उस वो चाशनी सही होती है। और अब इसमें रसगुल्ले शामिल करते हैं हम। और ये बन के हो गए हमारे तैयार। 15 मिनट के बाद देखिए कितने सोख लिया सारा इन्होंने रस, और ये फूल के हो गए खस्ता। अब पता नहीं किधर से निकालना है ना, बहुत ज़्यादा भर गए इसमें। अब ये देखिए, आइए आप भी खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, खूब बनाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बुज़ुर्गों को भी खिलाइए, उनके तो मुंह में रखते ही भूल जाएंगे, उनके तो वैसे ही दान नहीं होते। और क्या कहते हैं, मेरे चैनल को जरूर, बहुत ईजी बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये लोग। वाओ नानी, देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। ये आप देख ही रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, खस्ता कतई घुल गए हुए क्यों हुई। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और बारिश के दिनों में बहुत अच्छे लगते हैं। और बताइए आप कमेंट करके कहाँ कहाँ बारिश होती है। अल्लाह हाफिज़।